इंडियन शाखा अवार्ड को और मनीष को मौर्या को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उसने हमें इस लायक समझा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में मेरी छुटकी बोल के एक शालिनी सिंह है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सर, जब अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि एप्रिसिएशन किया जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा होता है, एक अच्छी खुशी का माहौल होता है, और मैं भी खुद अवार्ड फंक्शन करता हूँ। और दिवाली आ रही है, दिवाली की क्या तैयारी होने वाली, कुछ आप बताना चाहेंगे? दिवाली पे यही कहना चाहूँगा, आत्मनिर्भर बने और भारतीय वस्तुओं को यूज करें, चाइना का वस्तुओं का बहिष्कार करें, जिससे हम आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश की मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि चीन जैसे प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है, बिना मारे बिना करे आज 1,20,000 करोड़ का चीन को फटका लगा है, तो हम आत्मनिर्भर बने हैं और हमने अपनी इंडियन वस्तुओं को यूज़ किया है, और हमारी इंडियन वस्तुएं जो है संस्कृति से मिली जुली हैं। आखिर में लोगों से क्या कहना चाहिए, दिवाली आ रही, दिवाली की शुभकामनाएं? मैं आज लोगों को इस इंडियन सागर अवार्ड की ओर से और मेरी अपनी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भारतीय वस्तुओं यूज करने का एक आह्वान करता हूं। जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए अपनी फैमिली के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ में आज दीपक कपूर जी हैं और उनकी वाइफ है राजश्री कपूर जी, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, उनकी बहुत हेल्प करते हैं। इन्होंने भी हाल ही में एक स्ट्रीट डॉग का कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो ये कर रहे हैं मुंबई में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं कर रहा। मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश थी, बड़ी तमन्ना थी कि मैं इनको मीडिया के सामने लाऊँ। ये नहीं चाहते कि हम पब्लिक के सामने आए, हम अपने कामों के बारे में बताएं, लेकिन यकीन मानो आप बेजुबान जानवरों के लिए जो कर रहे हैं ना, उससे उसे ऐसा दिल भर आता है इनका काम देखकर। और ये हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, मनीष, संत प्रकाश, दीपक जी, ये सब हमारी टीम है। हम लोग शुरू से बिगिनिंग से एक साथ में काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं मनीष जी के साथ में, जैसे कि भी पहले मैडम ने कहा कि इतनी छोटी एज में इतना बड़ा धमाका किया, और आगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, ये तो शुरुआत है। हमारा सपोर्ट सर का तो पूरा ही सपोर्ट रहता है, हम हमेशा साथ में, हमारे अच्छे विशेष, वी आर ए फैमिली और फैमिली टाइप है। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट। और को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी हमारे अवार्डी आए थे यहाँ पे, और यफ म्यूजिक प्रेजेंट, यफ म्यूजिक एंड जस्टिन क्रिएटिव स्पार्क प्रेजेंट्स इंडियन सागा अवार्ड्स, ये हमारा टाइटल है। और हमने जो जितने लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया है, वो कुछ ना कुछ उन्होंने किया, हासिल किया है लाइफ में, और हमें ऑनर, हम ऑनर फील करते कि हमने उनको अवार्ड दिया है। और ऐसे सोशल इवेंट्स और ऐसे सोशल एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे, हम लोग उनको प्रमोट करेंगे, उनके जो आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और मैं कुछ चाहूँगा कि हमारे गेस्ट भी कुछ यहाँ पे बोले। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु केम फॉरवर्ड टू मेक दिस पॉसिबल। एफ म्यूजिक एंड जैसमिन क्रिएटिव्स पार्क इंडियन सागा अवार्ड फर्स्ट एडिशन है मुंबई में, इट इज़ बिन वेरी सक्सेसफुल, एंड इसमें बॉलीवुड पर्सनैलिटीज काफ़ी थे, इंडिविजुअल्स थे, एंड काफ़ी ब्रांड्स थे। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर अवार्ड्स। सोन उनियाल जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे गॉड फादर होते हैं किसी के, तो वैसे हैं समझ लीजिए हमारे लिए। और भाई का दिल बहुत साफ है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बिजनेस पर्सनालिटीज हैं उत्तराखंड के। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मनीष जी को सांगा अवार्ड के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। सोहन जी एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है यू ही, उत्तराखंड में शूट चल रहा है, तो आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बना रहे, थैंक यू सो मच। देखिए आज हमने जो शो किया तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा, या हमारे मनीष का बहुत अच्छा एफर्ट था, मनीष शुरू से हमारे साथ काम कर रहा है, सोहन लाल जी हमारे साथ हैं, शुक्रिया हमारे साथ हैं, इतने जरा जरा से बच्चे, तो ज़्यादा उम्र नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया बॉलीवुड में, इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन उन्होंने पहली बार शो किया। आगे हम ऐसे बहुत सारे शोज करते रहेंगे, बहुत सारे अवार्ड्स लोगों को देते रहेंगे, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सोहन लाल जी का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद, आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, सबसे पहले
कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिला है, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग एक अनरिकग्नाइज्ड लोगों को जिस तरह से रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं और जिस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इस तरह की चीज़ें जिस जो इनिशिएट किया है उनको बिग थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और आप क्या कहना चाहिए, आज आपको भी एप्लीकेशन मिला है तो आप क्या कहना? बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है तो आप कई सारे टीवी के शो को कास्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे आज इतने बड़े एप्लीकेशन मिला है कास्टिंग करने के लिए? हम देखते हैं कभी भी एक्टर्स को एप्लीकेशन मिलता है, जो बैकएंड रहते हैं उनको एप्लीकेशन नहीं मिलता, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या, जो हमारा शो आता है उस शो पे जो हमारा नाम आता है वो हमारा एप्रिसिएशन ही होता है। और जितने भी कलाकार हम खास करते हैं, वो कलाकार जब हमारे बारे में बोलते हैं तो देट इज़ द बिगेस्ट एप्रिसिएशन विच आई, मतलब वी जनरली वी गेट। और आज जब अवार्ड मिलता है तो कितने अप्रिशिएट आपको फील होता है, मतलब एप्रिसिएशन मिलता है तब अवार्ड मिलना ऊपर आता है? अब ये बहुत, सबको अवार्ड किसको अच्छा नहीं लगता है, हमको भी अवार्ड मिला है, हमें भी बहुत पावर मिलता है, एक्चुअली पावर मिलता है कि और अच्छा और बड़ा काम करें, कि और बड़े बड़े अवार्ड ले सके हम। ओके, जो नए नए एक्टर्स आते हैं बॉम्बे में आते हैं तो गांव से, मतलब क्या क्या करना चाहिए, कुछ आप बेसिक थिंग अगर आप बता सके क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट आ जाते हैं मुंबई में और स्ट्रगलिंग करते रहते हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो होना चाहिए बेसिक एक क्वालिटी एक्टर के? जैसे बॉर्डर पे जो सेना जाता है लड़ने के लिए तो उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भेजी जाती है, अगर वो ट्रेनिंग के साथ नहीं जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो सेम वे एक एक्टर आर्मी की तरह ही होता है, उनको भी पूरी ट्रेनिंग के साथ आनी चाहिए और ये किसी बॉर्डर से कम नहीं है हमारी इंडस्ट्री। दिवाली के लिए हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। हमारी कंपनी का नाम है श्रद्धा सोहन कास्टिंग, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जो हमको देख रहे हैं सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छा लगता है जब किसी आर्टिस्ट को लोग बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं, और जैसा कि हर एक आर्टिस्ट चाहता है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि कई सारे अवार्ड्स मिले और आज मुझे इंडियन सागा अवार्ड्स के लिए बुलाया गया और ये ट्रॉफी मेरे हाथ में, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। जब अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा। देखिए हम लोग तो बहुत बड़े बड़े शोज़ करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन पैसे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अवार्ड्स जो है ना वो घर पे जितने ज़्यादा होते हैं वही हमारी ताकत होती है, मेरा ये मानना है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे गाना, जैसे अभी राधे राधे आया था ड्रीम गर्ल 2 का, तो उसके लिए मैं नॉमिनेट भी हुआ था मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में, एंड देन काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, देन आज इंडियन सागा अवार्ड्स मिला मुझे। इसके बाद में बाबा लाएंगे क्रांति मेरा जो गाना था, जो अभी दिवाली के जस्ट बाद मेरा एक अमावस गाना आ रहा है, बहुत अच्छा गाना है और सैड रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें मैं भी हूँ और आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। देन हमारी एक मूवी आ रही है नुसरत भरूचा की, जनहित में जा रही है, उसमें एक गाना है मैं और धोनी भानुशाली हूँ उसमें, तो वो गाना आने वाला है। कई सारे सिंगल्स एंड फिल्म्स के सॉन्ग्स आने वाले हैं। आई होप कि अभी लास्ट जो मेरा बाबा लाएंगे क्रांति था आश्रम वेब सीरीज़ का, बाबा लाएंगे क्रांति ओ हो ओ, ये बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। देन राधे राधे आप लोगों ने सुना ही हुआ है, अभी अंदर भी मैंने गाया, तो ये चीज़ें हैं। और एंड टुडे आई गॉट दिस अवार्ड, इंडियन सागा अवार्ड्स, सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब एक आर्टिस्ट के काम को सराहा जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है। ये एक जब हर किसी को जब कोई एक अवार्ड से नवाजा जाता है तो वो एक समवेयर डाउन द लाइन वो एक फील फैक्टर है कि आपके काम को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। It's the whole thing about, yes, probably whatever you are doing is something on those lines where the continent needs you. And to get honored, thanks a million. Upar wale ka meher hai. So, getting the award,
आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर टुडे. इट वॉज मेंट टू बी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. एक्चुअली मैं शूट कर रही थी बट वो मेरा सब कुछ ऐसे मैच हो गया कि मैं यहाँ पे आ पाई इस टाइम पे. और कोई भी अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज यू नो ये आपको एहसास दिलाता है कि आपने क्या अचीव किया है लाइफ में. अभी तो बहुत कुछ बाकी है बट जो भी है इट्स मोर देन इनफ. आई एम कंटेंट. अभी मेरी वेब सीरीज आ रही है, बहुत जल्दी रिलीज हो रही है. बाकी अभी फोटोशूट्स चलते रहते हैं और काफ़ी बहुत कुछ आएगा. अभी लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी काम रुका हुआ था बट फिर से उसी जोश से हम फिर से हम काम शुरू कर रहे हैं नए टैलेंट को. अभी जो शूट चल रहा है, अभी का जो शूट चल रहा है वो तो बहुत ही बहुत अच्छा चल रहा है. आप लोग सब लोग को देखना चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं. मंडे टू फ्राइडे 8 PM ऑन सोनी रेगुलरली शूट चल रहा है. काफ़ी अच्छा ट्रैक चल रहा है. आई एम प्लेइंग नकुल सिस्टर शिवीना, तो आई एम एन्जॉइंग इट टू द फुलेस्ट. और मैंने पहले भी बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ किए, जो मेरा मैं जिस दिन भुला दूँ जुबीन और हिमांश के साथ, वो भी 200 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है. टी सीरीज़ का गाना है. सो आई थिंक या आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग. थैंक यू. शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन. नकुल मेहता एंड दिशा परमार बोथ आर वंडरफुल पीपल. बहुत अच्छा लगता है सेट पे, फैमिली जैसी काम होती है. ऐसा नहीं लगता है कि को एक्टर्स है, इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स. सो बहुत अच्छा एम्बियंस रहता है सेट पे. शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. इंडियन सागा अवार्ड नाइट मेरे लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ. और मुझे अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सपोर्टिंग के लिए. मैंने इंडस्ट्री के लिए इतने साल काम किया, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है. एंड आई टेक इट इन अ वेरी गुड मैनर एंड वेरी पॉजिटिवली बिकॉज आई डिजर्व इट, ऑल द अवार्ड्स आई डिजर्व. सो थैंक यू साहिल खान जो इन्होंने अवार्ड नाइट का ऑर्गेनाइज किया, इंडियन सागा अवार्ड नाइट. एंड अ ब्यूटिफुल इवनिंग एंड आई रियली इन्जॉयड. Hello everybody, I am here at Indian Saga Awards Chapter 1. So I have been titled as the Southern Sensation. Okay, so Southern Sensation, that's so nice as I am doing 2 to 3 movies in 2 movies and 1 movie which is upcoming in Tamil, and also you will be seeing me in Bollywood 2. Movies names are coming soon. And thank you so much for inviting me over here. And I would appreciate, love to appreciate Zest and Creative, which is actually doing so good work and so good job, like giving platforms, giving appreciations to all those who are achievers. And not only this, but even I am a team member, we can say, because even I have been signed up for a movie under Zestin Productions. And I would love to appreciate Manish Maurya sir, F Star Music, Farooq Bhai, and all the whole team who are behind this show, this grand show, award show. I would love to thank, and all the directors, producers, actors, actresses, models, those who have come over here, I would love to appreciate them because they have took time and they have come here. Even I am coming from a shoot directly. So it's so good to be over here, and thank you so much for this award, Southern Sensation. I really can't believe that this is the award, which this is the title I have got over here. So thank you so much for this. And yes, we have Nitya ji over here, a very gentleman, a very great man. Okay, so thank you so much everybody. Thank you. देखो बचपन से हम सबको अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है. यानी कभी आपको याद है ना, माँ बोलती थी अरे ये कर मैं फिर तुम्हें ये देती हूँ लड्डू. तो इट्स द सेम फीलिंग वेन एवर यू गेट अवार्ड, दैट लड्डू फीलिंग इज ऑलवेज देयर इनसाइड. सोशल वर्क. एंड सोशल वर्क इज जस्ट फीलिंग, ये फीलिंग की बात है. जिसको फील होता है वो करता है, जिसको फील नहीं होता है वो साइड से चला जाता है. इट जस्ट लाइक दैट. अभी द ग्रेट मॉम स्वामी विवेकानंद करके टीवी सीरियल आ रही है, जिसका हमारा एक फेज़ शूट लॉकडाउन से पहले हो गया. अभी सेकेंड फेज़ दिसंबर में शुरू हो रहा है. And then that will come. Then order करके OTT पे वेब है,
ऑर्डर ऑर्डर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इट्स क्राइम बेस्ड लॉ एंड कोर्ट रूम ड्रामा. देन चिमाजी अप्पा करके मराठी मूवी है, दैट इज कमिंग, इट्स अ बिग बजट मराठी मूवी. देन राणा प्रताप हिंदी मूवी जो है वो आ रही है, सो दीज प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप. और बीच बीच में टी वी सी वगैरह आती रहती है जो आप लोग देखते रहते हैं टी वी पे. And wishing you all a very happy Diwali. Diwali की बहुत सारी शुभकामनाएं. सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली. संजू सर का तो स्टाइल मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इस बार थोड़ा कुछ हटके करना था, तो मैं बोला चलो ठीक है कुछ अलग ट्राई किया जाए. मेरे को 40 मिनट लगे. हाँ, मुझे यंग अचीवर के कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, और मेरे को तो नहीं लगता मैंने ज़्यादा कुछ अचीव किया है, बट जितना भी थोड़ा बहुत किया है उसके लिए अचीव किया गया है, सो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल. बस मैं अपने फैंस से ये बोलना चाहूँगा कि गाइस इन एडवांस आप लोगों को हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली, और ज़्यादा पटाखे मत फोड़ना, घर पे रहना, अपनी फैमिली के साथ रहना, और ढेर सारी मिठाइयाँ खाना. थैंक यू सर. आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर. हाई नंबर वन, सब आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आई वांट टू थैंक यू एवरी वन ओवर हियर फ्रॉम मीडिया. आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों के लिए. इंडिया सगा अवार्ड के लिए बहुत बहुत आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू. और मेरे साथ में अमेरिका से भी आए हैं, द वन वी डिड द म्यूज़िक वीडियो, और उसके लिए आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर. वेरी गुड, आई एम एक्चुअली एंजॉइंग बॉलीवुड. फारूक सर के साथ काम करना बहुत ही फन था. हमने न्यूयॉर्क में पूरी शूटिंग की थी कुछ वीक्स के लिए. इनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों की हेल्प करना. हम बर्फ़ पड़ी हुई थी तो हम लोग स्लिप हो रहे थे. जो हमारे को एक्टर हैं अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ नहीं है, उनका एक पैर नहीं है, तो फारूक सर ने बहुत ध्यान से हाथ पकड़ के, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो अपने भाई की टेक केयर कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जो हर किसी इंडिविजुअल इंसान का ध्यान देता है. आपने देखा होगा कोविड में इन्होंने यूएस में काफ़ी लोगों की मदद की है, तो उस वजह से इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. आई थिंक हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट. यस, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक था रोमियो, सो उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो इट्स द अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ट्रायम, हमारा जो प्रोडक्ट है. सो वी आर अ जयपुर बेस्ड कंपनी एंड आई वांट टू थैंक यू नो सागा अवार्ड्स फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू अस. यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, ऑलरेडी बना हुआ है, हाइप्ड अप है. थैंक यू सो मच जस्टिन, बहुत ही अच्छा. कि आज हमने उनको भी अवार्ड दिया है, और जो लोग हमारे साथ एसोसिएट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें ऐसे ही सेवा करने का मौका दें उनका. और आई विश टू कि उनके फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल हो, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल हु हैव सपोर्टेड अस इन द ऑल बैड एंड गुड थिंग्स. सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट आफ्टर कोविड, तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने टाइम से लॉकडाउन में ऐसा मौका नहीं मिला कि हम रूबरू हो चुके, स्पेशली आप सबसे, तो आप सबको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन सागा टीम की, पूरी अवार्ड्स की पूरी टीम को. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. So, our
NGO Punjabi Global Foundation and my production house, we are coming up with too many events in the near future. But I hope so ki abhi COVID ki third wave na aaye. So aap sab itni safe rahiye and I am sure ki abhi dheere dheere jaise sab khulne laga hai, aane wala time hum sab ke liye acha aa raha hai. So I am hoping to do well and I am also doing 3 films now, one international project as an actor. मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा धमाका अगर ये आज कर सकते हैं कोविड के बाद तो फिर आई एम श्योर आप बहुत आगे जाएंगे. थैंक यू सो मच मैम. आर्टिस्ट कंग्रेचुलेशन. आप लोग का सपोर्ट रहेगा और प्रीमीडिया का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. बोलते ना कि जीत लेनी चाहिए मन में, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, बस आपका प्रिपरेशन बहुत हार्ड होना चाहिए. और मैं बहुत हॉनर हूँ कि इतने सब लोग आए और लोगों को हमने अवार्ड दिया, कुछ लोगों ने थैंक यू बोला. एंड थैंक यू सो मच टू एवरी वन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.